हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो डॉट इन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में भारत में प्राचीन भारत में 16 जनपदों से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लिया था, और जो हम आज वीडियो लेकर आए हैं इसमें विदेशी आक्रमण जो हुए थे पहले उनसे बनने वाले हम क्वेश्चनों को करवाएंगे। ओके, तो आज जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं वो आप देख लीजिएगा, कई एग्जाम में आते हैं और उन चीज़ों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे यूपीपी, ठीक है, बिहार पुलिस, ठीक है, और अगर बात करें एमपीपी, ठीक है, और यूपी पेट, ठीक है, यूपी पेट के लिए भी, और बात करें वीडियो, ठीक है, और भी लेखपाल, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे ये। आप लोग इनको आराम से देखिएगा। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस वंश के शासकों ने किया था? तो भारत पर प्रथम जो विदेशी आक्रमण हुआ था वह हुआ था हखमनी वंश, ठीक है, हखमनी वंश ने किया था। हखमनी वंश की बात कर लेते हैं, तो हखमनी वंश का शासक मतलब संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था साइरस द्वितीय, ठीक है, संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय था, द्वितीय था। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व तक था। इसने ईरान में, ठीक है, ईरान में हखमनी वंश की स्थापना की थी, ठीक है, ईरान में हखमनी वंश की स्थापना की थी, हखमनी वंश की स्थापना की थी। कब? तो जैसा आप लोग देख ही रहे हैं, छठी शताब्दी में, ठीक है, छठी शताब्दी में किया था, ठीक है। इसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन यह जो है सफल नहीं हुआ था। कौन? साइरस द्वितीय, ठीक है, साइरस द्वितीय ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन यह असफल रहा। ओके, तो हखमनी वंश का संस्थापक आपको पता चल गया साइरस द्वितीय है, 558 से 529 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। ईरान का एक बहुत ही बड़ा, ईरान पे इसने बहुत ही बड़ा साम्राज्य अपना स्थापित किया था साइरस द्वितीय ने, ठीक है, जिसका नाम था हखमनी वंश, ठीक है, छठी शताब्दी में इसने इस वंश की स्थापना की थी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हखमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जैसा आप लोगों ने देख लिया, साइरस द्वितीय ने हखमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईरानियों के संपर्क में आने से किस लिपि का जन्म भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में हुआ था? तो ईरानियों के आने से जो है खरोष्ठी लिपि का भारत जो है विकास हुआ था भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, ठीक है। यह जो खरोष्ठी लिपि थी यह ईरान के अरमेइक लिपि से इसका जन्म हुआ था, ठीक है ना। खरोष्ठी लिपि का जो जन्म हुआ था ईरान के अरमेइक लिपि से हुआ था, ठीक है। अरमेइक लिपि कहाँ की थी? तो ईरान की थी, जो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि दाएं से चल के बाएं की ओर लिखा जाता है, ऐसे करके इधर से चलेंगे और जो है जैसे उर्दू भाषा लिखी जाती है उस प्रकार इसको लिखा जाता था। चलिए नेक्स्ट, खरोष्ठी लिपि का जन्म किस लिपि से हुआ था? तो जैसा बता ही दिए, खरोष्ठी लिपि का जन्म जो है अरमेइक लिपि से हुआ था, ठीक है, अरमेइक लिपि से। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हखमनी के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारत में किस प्रथा का प्रारंभ हुआ था? तो देखो, जब भारत पे आक्रमण हुआ, ठीक है, तो उस पर उसके बाद क्या हुआ, विदेशों से व्यापार की प्रथा का भी जो है प्रचलन शुरू हो गया था, ठीक है, और इससे ये मुख्य जो है ये है कि अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा, ठीक है ना, कहाँ से मिली हमको? ईरान से, ठीक है ना, हखमनी वंश कि ये देन थी। अगर बात करें शिक्षा केंद्रों की स्थापना, ये भी वहीं से हमें मिली, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ओके, सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। बात कर लेते हैं कब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था।
तो सिकंदर ने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, सिकंदर को देख लेते हैं। सिकंदर के अगर पहले नाम की बात करें तो इसका नाम क्या था, सिकंदर का अलेक्जेंडर। ठीक है, इसका नाम था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर था। इसका जो इसके जो पिता थे इसके, वो थे फिलिप। ठीक है, इसके पिता का नाम था फिलिप। इसका जन्म जो हुआ था वह हुआ था 356 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था, मेसिडोनिया में। ठीक है, मेसिडोनिया में इसका जन्म हुआ था। मेसिडोनिया में इसका जन्म हुआ था 556 ईसा पूर्व में। ठीक है, उसके बाद इसके पिता के जब मृत्यु हो गई, तो यह अपने पिता की मृत्यु जब हुई तो 20 वर्ष की, महज 20 वर्ष की उम्र में यह गद्दी पर बैठा। ठीक है, 20 वर्ष की उम्र में यह क्या बन गया, राजा बन गया। ठीक है ना, यह राजा बन गया। अगर इसके गुरु की बात करें तो इसका जो गुरु थे इसके, वो थे अरस्तु। ठीक है, अरस्तु किसके गुरु थे, तो वो थे सिकंदर के। ठीक है, सिकंदर का नाम क्या था पहले, अलेक्जेंडर भी इसका नाम था। ठीक है, बात चल रही यहाँ पे सिकंदर की। ठीक है, जिसका नाम अलेक्जेंडर था। ठीक है, तो पिता इनके फिलिप थे, जन्म इनका 356 ईसा पूर्व में हुआ था मेसिडोनिया में, और 20 वर्ष की आयु में ये राजा बन गए थे, और गुरु इनके अरस्तु थे। अगर इनकी प्रियपत्नी का नाम पूछ लिया जाए तो रुक्साना था। ठीक है, रुक्साना इनकी जो पत्नी का नाम था, हुआ था रुक्साना। ठीक है, तो ये इससे बनने वाले क्वेश्चन थे। चलो आगे देख लेते हैं। अब बात करें, पोरस व सिकंदर के मध्य युद्ध किन नदियों के बीच लड़ा गया। ठीक है, तो जब सिकंदर भारत आया तो उस समय क्या हुआ था कि पहले इसको मिला, क्योंकि जो साइरस जो था, साइरस द्वितीय, उसी के वंश के एक शासक थे। उन्होंने क्या किया था, ठीक है, डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम सफल आक्रमण करके गांधार और कंबोज पर आक्रमण कर लिया था। ठीक है, कहाँ पे, तो जो पश्चिमोत्तर जो थे क्षेत्र, गांधार। ठीक है, और कंबोज पर किसने सफल आक्रमण कर लिया था, हखमनी वंश का ही शासक था वो। ठीक है, नाम क्या था, डेरियस प्रथम। ठीक है, डेरियस प्रथम। ठीक है, डेरियस प्रथम ने क्या किया था, आक्रमण करके जो है इन क्षेत्रों को जीत लिया था, और जो है फारस का 20वां प्रांत बना दिया। ठीक है, फारस का 20वां प्रांत घोषित कर दिया था। 20वां प्रांत किसने, हखमनी वंश के जो शासक थे डेरियस प्रथम, इन्होंने ही सबसे पहले सफल आक्रमण भारत में किया था। ठीक है, तो जब सिकंदर आया तो सर्वप्रथम इसी डेरियस प्रथम का जो मतलब पोता था, ठीक है ना, डेरियस तृतीय, ठीक है ना, उसे इन्होंने हराया, और जो है इस वंश का वहीं से अंत कर दिया। किसने, सिकंदर ने। ठीक है, 310 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब जब सिकंदर आया, कहाँ आया था, पाकिस्तान में खैबर दर्रा जो है, ठीक है, सुलेमान पर्वत में एक पड़ता है खैबर दर्रा। ठीक है, वो सॉरी हिंदुकुश पर्वत में, तो खैबर दर्रा को पास करके यह भारत में प्रवेश हुआ। ठीक है, और सबसे पहले इसने युद्ध कहाँ लड़ा, तो सर्वप्रथम जो इसका युद्ध हुआ था तक्षशिला के राजा, युद्ध क्या हुआ था, उसने आधीनता ही स्वीकार कर ली थी। तक्षशिला का राजा था आम्भिक। ठीक है, कौन था, आम्भिक। तो आम्भिक राजा ने इसकी क्या कर ली, इसकी जो है इससे संधि कर ली। ठीक है ना, यानी कि इससे हार मान लिया उसने, और जो है इसको वचन दिया कि अब आप आगे
युद्ध करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे। यानी कि जो राजा अम्बिक था वह गद्दार निकल गया, ठीक है। इस गद्दार ने इसकी मदद की, किसकी, सिकंदर की, ठीक है। और जो अम्बिक ने युद्ध लड़ा था, यानी अम्बिक के ऊपर जब इन्होंने तक्षशिला पे सिकंदर ने जब आक्रमण किया था, तो यह युद्ध हुआ था सिंधु और झेलम नदी के बीच में, ठीक है। यह युद्ध कहाँ हुआ था, सिंधु और झेलम नदी के बीच में। और जब यह आगे बढ़ा, ठीक है, और पोरस सिकंदर का युद्ध हुआ, तो आगे फिर इनका युद्ध हुआ झेलम व चिनाब नदी के बीच में, ठीक है। झेलम व चिनाब नदी के बीच में सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ, जिसमें पोरस जो था बहुत बहादुरी से लड़ते हुए, हालांकि बाद में हार गया, लेकिन सिकंदर इसकी बहादुरी को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि बाद में इससे मित्रता कर ली और इसका सारा राज्य जो है वापस कर दिया। और जबकि उस इससे भी उसने कहा कि अगर हम आगे युद्ध कर रहे हैं तो आप हमारा सहयोग करोगे। और पुरु जो राजा था पोरस, वो तो हार चुका था, इसलिए उसने हाँ भर दी, ठीक है। तो अब उसके बाद इसने क्या किया, आगे युद्ध करने का प्लान बनाया, ठीक है, पुरुष को हराने के बाद। अब आगे क्या हुआ, आठवां क्वेश्चन है, झेलम के युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो झेलम के युद्ध के बाद जो इसकी सेना थी व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, ठीक है। बताते हैं कि उसमें कुछ जो है मानसिक दबाव जो है चाणक्य ने बनाया था उनके ऊपर, कि यहाँ पे देवी देवताओं तमाम तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो है अंधविश्वास भर दिया, और कहते हैं कि उसमें थोड़ा थोड़ा सा जहर वहर मिला देते थे इनके खाने में, तो लोग मरने लगे धीरे धीरे करके इनके सेना के, सिकंदर की जो सेना थी। तो इस वजह से वो उनको लगने लगा हाँ वाकई में यहाँ पे क्या है, देवी देवताओं की शक्तियों का प्रभाव है। और इनकी सेना जो थी आगे व्यास नदी में, क्योंकि बारिश का सीजन था तो व्यास नदी में बाढ़ भी बहुत थी, तो इनकी सेना जो थी वह आगे जाने से मना कर दी। तो व्यास सेना, मतलब व्यास नदी को जब इनकी सेना नहीं पार कर पाई, तो फिर सिकंदर ने क्या सोचा कि अब वापस चला जाए, और वह व्यास नदी ना पार करके फिर वापस जो है लौटने लगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर की अंतिम विजय किस राज्य के विरुद्ध थी। तो सिकंदर की अंतिम विजय जो थी पाटल के विरुद्ध थी, ठीक है, पाटल के विरुद्ध। आगे, सिकंदर ने भारत में कौन सा नगर बसाया था। सिकंदर ने भारत में बुकाफेला और निकाया दोनों नगर बसाए थे। बुकाफेला घोड़े, उसका जो घोड़ा था उसके नाम पर, ठीक है, नाम पर। और अगर निकाया की बात करें तो वह अपने विजयी होने के कारण, ठीक है। तो यह जो है निकाया और बुकाफेला दोनों का नगरों की, मतलब नगर को बसाया था, यानी उपर्युक्त दोनों इसका सही आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आया था। तो निर्याकस, ठीक है, निर्याकस भारत आया था सिकंदर के साथ, डाइमेकस भारत नहीं आया था सिकंदर के साथ। तो निर्याकस जो था यह इसका जल सेनापति था, ठीक है, कौन था यह, जल सेनापति। अगर बात करें कि थल सेनापति कौन था, तो थल सेनापति जो था वो था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, उधर दिख नहीं रहा, इधर लिख दे निकेटर, ठीक है। ये था थल सेनापति, और जल सेनापति कौन था, निर्याकस, ठीक है, निर्याकस इसके साथ भारत आया था। अगर ये पूछ लिया कि सिकंदर भारत में कितने माह तक रुका था, तो यह भारत में जो है 19 माह तक सिकंदर रुका था, 19 माह तक, ठीक है, सिकंदर जो है भारत में रुका था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था। देखो, बाहरी आदमी तभी सफल होता है, ठीक है, पहली चीज तो ये देख लो, देशद्रोही शासकों द्वारा सिकंदर को मदद, ठीक है, जैसे अम्बिक ने तुरंत उसकी गुलामी मान ली, ठीक है ना, उससे हार मान ली, लड़ा ही नहीं, हाँ, ना अपने पड़ोसी राजाओं से सहायता मांगी, ठीक है, ना उनको बताया, तो ये चीज़ हो गई कि देशद्रोही शासकों द्वारा सिकंदर को मदद की,
ठीक है, आम्बिक उसके साथ हो गया और उसकी मदद की, उसको रास्ते बताए कि कहाँ से आक्रमण करना है, कैसे आक्रमण करना है, ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद केंद्रीय सत्ता का ना होना, यानी छोटे छोटे प्रांत थे वो आपस में, राजा आपस में ही लड़ा करते थे, ठीक है, और कोई एकजुट यानी बड़ा साम्राज्य नहीं था, और जो था भी उसने मदद नहीं की थी, जैसे धनानंद था नंद वंश का, ठीक है। और क्या था, सी ऑप्शन, शासकों का आपसी झगड़ा, यानी जो भारत में शासक थे वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, ठीक है। तो यानी उपर्युक्त सभी, ठीक है, बाहरी आदमी तभी लाभ उठा पाता है जब ये तीनों चीजें होती हैं, ठीक है, आपस में मेल मिलाप नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीनों कारण थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की महिलाओं ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो सिकंदर के विरुद्ध जो है अश्वक, ठीक है, अश्वक राज्य की महिलाओं ने युद्ध किया था। अश्वक की जो राजधानी थी वो थी मशक, ठीक है, मशक यहाँ की राजधानी थी। और क्या हुआ था, सिकंदर ने यहाँ जब युद्ध किया तो यहाँ के अधिकांश पुरुषों की इसने कर दी हत्या, ठीक है, यानी अधिकांश पुरुष जो थे युद्ध में मारे गए। तो यहाँ की महिलाओं ने सोचा कि हमारे जो अधिकांश पुरुष थे उनकी तो मृत्यु हो गई है, तो ये खुद जो है मैदान में उतर गई हथियार लेके, ठीक है। तो अस्त्र शस्त्र लेके जब ये मैदान में उतर गई तो सिकंदर ने क्या किया, सबको, जितनी भी महिलाएं युद्ध में उतरी थी, सबको मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य था, तो अश्वक था, ओके, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो अगर सिकंदर की मृत्यु की बात किया जाए तो बेबीलोन में हुई थी, ठीक है, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी और मेसिडोनिया में इसका जन्म हुआ था। तो मृत्यु कब हुई थी देख लेते हैं, तो सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी 323 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, 323 ईसा पूर्व में हुई थी, वह भारत से लौट गया था, बेबीलोन में था और तभी उसकी जो है मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन एकमात्र शासक है जिसका जन्म मृत्यु एवं अंतिम संस्कार अलग-अलग देशों में हुआ था? तो वह सिकंदर ही थे, ठीक है, सिकंदर ही था जिसका जन्म अलग जगह में हुआ था, यानी कि मेसेडोनिया में, ठीक है, मृत्यु हुई बेबीलोन में और इसको दफनाया दूसरी जगह गया था, ठीक है, तो यानी अलग अलग जगह में इसको जो है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में गांधार शैली की कला का विकास किसके प्रभाव का ही परिणाम था? तो भारत में जो गांधार शैली का विकास था वह यूनान का ही परिणाम था, यूनान, ठीक है, जहाँ से सिकंदर आया था, ठीक है, सिकंदर जो आक्रमण किया था वह यूनानी आक्रमण था, ठीक है, जो बखमनी वंश ने आक्रमण किया था वह ईरानी आक्रमण था, ठीक है, तो यूनान के परिणाम स्वरूप ही, और यूनान से ही भारत ने सिक्के छापने की भी कला सीखी थी, ठीक है ना, सिक्कों के लिए भी, ठीक है। चलो अगला, पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन कर लिया था? जैसा कि मैं बता भी चुका हूं कि जो डेरियस था, डेरियस प्रथम जिसका एक नाम और है दारा प्रथम, ठीक है, दारा प्रथम, इसी ने सर्वप्रथम जो है सफल आक्रमण किया था गांधार और कंबोज को जीत लिया था, ठीक है, इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र को जीत करके अपने प्रांत में मिला लिया था, यानी अपने साम्राज्य में मिला लिया था और इसे जो है 20वां प्रांत बना लिया था, ठीक है। और दारा प्रथम का ही पुत्र था जरकसीन, कौन था, जरकसीन था, जरकसीन ने ही सर्वप्रथम क्या किया था, इसने मतलब भारतीय सेना को अपनी सेना में, मतलब भारतीय लोगों को अपनी सेना में शामिल किया था, किसने, जरकसीन ने भारतीय सेना को, मतलब भारतीय लोगों को अपनी सेना में शामिल किया था। ठीक है, और इसके बाद जो शासक था दारा तृतीय, उसकी ही मृत्यु करके जो है इस वंश का अंत कर दिया था, किसने, सिकंदर ने, 310 ईसा पूर्व में, ठीक है।
डेरियस तृतीय या दारा तृतीय। हाँ सिकंदर ने इस वंश का अंत किया था, ठीक है, सिकंदर ने इस वंश का अंत कर दिया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कौन था, ये याद रखिएगा, सर्वप्रथम सफल आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था, डेरियस प्रथम, इसको एकदम याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। अगर बात करें इसमें कब किया था तो सन भी पूछ सकता है, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, 516 ईसा पूर्व में, ठीक है, 516 ईसा पूर्व में इसने सफल आक्रमण करके गांधार और कंबोज को जीता था, ठीक है, ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय जो उत्तर भारत का बहुत अच्छा यानी बड़ी मात्रा में सेना थी, इसके पास सब कुछ था, तो यहां पे शासन था नंद वंश का, ठीक है, नंद वंश का शासन था। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी, महापद्म नंद ने की थी, लेकिन जब आक्रमण किया था सिकंदर ने तब यहाँ का शासक था धनानंद, ठीक है, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था जब यहाँ का शासक कौन था धनानंद। कहते हैं कि धनानंद के पास चाणक्य आए भी थे कि सिकंदर को रोको, और जो है पूर्वोत्तर के जो राजा हैं पुरु आम्भिक तो मिल ही गया था, तो पुरु की मदद करो आप, ठीक है, यानी कि सभी जो देश के छोटे छोटे प्रांत के राजा थे सभी लोग एक होकर के मदद करो, ठीक है। लेकिन जो धनानंद था उसने चाणक्य को भगा दिया था वहां से और बोला हम नहीं युद्ध में भाग लेंगे, ठीक है, तो ये चीज था। तो आज के क्वेश्चन सारे समाप्त हो गए, ठीक है, तो आक्रमण से जो बनने वाले, प्रथम आक्रमण से बनने वाले क्वेश्चन थे वो आज हुए समाप्त। अब अगली वीडियो जल्दी लेकर के आएंगे, आप लोग अपनी तैयारी को इसी तरह मजबूत बना रहिएगा। धन्यवाद।